नमस्कार, स्वागत है आपका GBN24 में और मैं हूं आपके साथ रिशु चौधरी। गोटा लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव जी देवीपुर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चला। जनसंपर्क अभियान के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव जी को गर्म जोशी के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे को इस बार गंगा पार भेजने का मूड बना लिया है। वहीं गोटा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने पक्ष में हाथ छाप पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली में सरकार बनी तो हर एक महिला को सालाना 1,00,000 रुपए दिया जाएगा और सरकारी नौकरियां भी काफी संख्या में दिया जाएगा। इसलिए आप लोग हाथ छाप पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को जीतने का काम करें। और वहीं खसपेका गांव में दर्जनों ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के साथ कांग्रेस का दामन थामा। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN24।